Good afternoon, students. Today we are going to demonstrate the experiment to determine the temporary, permanent, and total hardness of given water sample by using EBTA software. This titration is also called complexometric titration. तो इसके लिए हमें क्या-क्या steps follow करने? One by one मैं आपको बता रहा हूँ. तो सबसे पहले fill the burette with N/20 EBTA solution. इसके लिए हमें क्या करना है? With the help of funnel, हम burette के अंदर N/20 EBTA को फिल करेंगे और इसकी रीडिंग को कहां सेट करेंगे? जीरो पे. इट इज द स्टेप नंबर वन. सो यू हैव टू नोट इट. फिल द ब्यूरेट विद N/20 EBTA सॉल्यूशन एंड मेक द रीडिंग एट जीरो. तो रीडिंग को एडजस्ट कर देंगे जीरो पे. इट इज द स्टेप नंबर वन एंड पुट द EBTA बैक ऑन द सेल. EBTA को वापस सेल पर रख दीजिए. 5 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इन कोनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ पिपेट. अब क्या करना है? हमारे पास सेल में एक स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का सैंपल होगा जिसमें से हमें 25 ml को ट्रांसफर करना है कोनिकल फ्लास्क के अंदर. तो ये आपको पास सेल पे रखा होगा SHW. इट इंडिकेट्स स्टैंडर्ड हार्ड वाटर. इट इज स्टैंडर्ड बिकॉज इसकी कंसंट्रेशन हमको मालूम है, इसकी हार्डनेस मालूम है. इसमें 1 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर. तो इसको इसलिए क्या बोल रहे हैं हम? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर. इसमें से हम 25 ml पिपेट से लेंगे और किसमें ट्रांसफर कर देंगे? कोनिकल फ्लास्क में. तो 25 ml के पिपेट के अंदर इसको लेंगे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर सैंपल और मार्क तक लेके जाए इसे. इट इज 25 और ट्रांसफर इट इनटू कोनिकल फ्लास्क. इट इज स्टेप नंबर टू. ट्रांसफर 25 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर इन कोनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ पिपेट. प्लीज इस पिपेट को वापस रख दीजिए और इसको भी वापस रख दीजिए SHW के. नाउ स्टेप नंबर थ्री. फॉर मेक दिस सॉल्यूशन एल्कलाइन एड 2 ml ऑफ अमोनिकल बफर इन इट विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर. इस सॉल्यूशन को बेसिक बनाने के लिए इसके अंदर 2 ml हम ऐड कर देंगे अमोनिकल बफर. एक चीज को आप शॉर्ट रखिए, प्रिकॉशन है, अमोनिकल बफर को कभी भी हम ओपन नहीं छोड़ते क्योंकि ओपन छोड़ेंगे तो इसमें अमोनिया बाहर लीव आउट हो जाएगी और इसकी पीएच चेंज हो जाएगी. तो इसको हमेशा क्लोज करके रखेंगे और 2 ml ट्रांसफर करेंगे या टेस्ट ट्यूब से करेंगे तो 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब. तो मैं मेजरिंग सिलेंडर से कर लेता हूं अप्रॉक्स 2 ml एंड ऐड इट इनटू कोनिकल फ्लास्क टू मेक द सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर. तो इट इज स्टेप नंबर थर्ड. एड 2 ml ऑफ अमोनिकल बफर इन कोनिकल फ्लास्क टू मेक द सॉल्यूशन बेसिक. नाउ स्टेप नंबर फोर. एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर इन दिस सॉल्यूशन. एज यू एड इट बिकम्स वाइन रेड कलर सॉल्यूशन. इट बिकम्स वाइन रेड. तो देखते हैं EBTA को ऐड करते ही I add 4 drops. You add 2, 3 or 4 constant drops in each titration. Now it becomes wine red color solution. What does it indicate? It indicates that the solution contains calcium and magnesium ions. यदि किसी भी water sample के अंदर कोई सी भी hardness है, temporary, permanent or both, तो calcium ion होंगे और magnesium ions होंगे. उसके साथ EBTA complex बनाता है जो किस color का होता है? Wine red. तो इट इज वाइन रेड कलर EBTA कैल्शियम आयन और EBTA मैग्नीशियम आयन कॉम्प्लेक्स. क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस? टाइट्रेट इट. नेक्स्ट स्टेप, टाइट्रेट दिस सॉल्यूशन विद N/20 EBTA सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कंटीन्यूअस ट्राइंग अंटिल द कलर चेंजेस फ्रॉम वाइन रेड टू पीकॉक ब्लू. वाइन रेड टू पीकॉक ब्लू. नाउ आप देखिए, तो जो अब EBTA हम इसके अंदर डाल रहे हैं तो वो EBTA क्या काम करेगा? वो EBTA को रिप्लेस करेगा और कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ खुद एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका कलर कैसा होगा? पीकॉक ब्लू. तो 1/1 सेट करते हैं. तो ड्रॉप बाय ड्रॉप मैं चालू कर दिए और इसको कंटिन्यू शेक करते रहेंगे. धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन है जो EBTA कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर रही है और ये कॉम्प्लेक्स अब किसके साथ बनेगा? EBTA कैल्शियम आयन और EBTA मैग्नीशियम आयन. जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कलर
वाइन रेड से कैसा हो जाएगा, पिकॉक ब्लू, एंड दैट इंडिकेट्स द एंड पॉइंट एंड कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन करना है और कंटिन्यूस शेकिंग रखनी है. थोड़ा लाइट होता जा रहा है और सडनली किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, चेंज वाइन रेड टू पिकॉक ब्लू. देखो अभी हल्का सा वॉयलेट होना चालू हुआ और सडनली वॉयलेट होके एकदम किसमें चेंज हो गया, ये पिकॉक ब्लू. वॉयलेट पर नहीं रुकना, हमें पिकॉक ब्लू पर रुकना. तो इट इंडिकेट्स द एंड पॉइंट. यू हैव डन इट मींस एरियोक्रोम ब्लैक टी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स नाउ कन्वर्टिंग टू ईबीटी कैल्शियम एंड ईबीटी मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, और यही हमारा इंडिकेट करेगा एंड पॉइंट. नोट द ब्यूरेट रीडिंग एंड रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट विद SHW अंटिल कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग. तो इस तरीके से इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे. इनिशियल और फाइनल रीडिंग आपने नोट कर ली. ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर. तो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के लिए आपको यहाँ पहली टेबल बनानी है. टेबल नंबर ए, 25 ml आपने लिया सॉल्यूशन अननोन स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का, जीरो इनिशियल रीडिंग थी. फाइनल रीडिंग यहाँ पे आपकी अभी आई, मनी बता रही थी फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना वॉल्यूम आपने यूज किया. सेम एक्सपेरिमेंट फिर दोबारा से करेंगे बफर ऐड करके, फिर कलर रीअपियर होगा, फिर सही कैसे तीनों का कॉमन आएगा, दैट इज द कॉन्कॉर्डेंट, दैट इज गिवन. अब यही काम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप. सेम स्टेप्स आर रिपीटेड बाय सैंपल वाटर, सैंपल वाटर और टैप वाटर. अब क्या करना है, इस ब्यूरेट को फिर से फिल कर लेंगे. कब, जब पहले आपका V1 कांस्टेंट आ चुका है, तीन या चार रीडिंग के बाद कॉन्कॉर्डेंट आ चुका है, तो अब ब्यूरेट को फिर से जीरो फिल कर लेंगे. जीरो फिल करने के बाद इस बार जो ट्रांसफर करेंगे वो किस चीज को लेंगे, 25 ml ऑफ टैप वाटर. और टैप वाटर ही क्या है आपका, सैंपल. इन केस ऑफ टैप वाटर यू कैन ऑल्सो यूज द इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम एनीवेयर, एनी रिवर वाटर, एनी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फॉर द सैंपल वाटर, उसकी हार्डनेस आपको डिपेंड करेगी. तो 25 ml ऑफ टैप वाटर टेकन इन द कॉनिकल फ्लास्क, एड 2 ml ऑफ बफर एंड देन टाइट्रेट इट विद द सेम पैटर्न. तो उसके लिए भी अलग टेबल बनेंगे. जब कलर चेंज होगा तो उसकी रेडिंग आपके पास आएगी, तो वो मे भी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द हार्डनेस. तो यहाँ पे आपके पास कॉम्पोनेंट भी नहीं है, दैट इज V2 सेम आएंगी, यानी कि तीन चार करने के बाद दो कॉम्पोनेंट आएंगी, उसको क्या बोलेंगे हम V2. इसकी कॉम्पोनेंट V1 और ये सैंपल से कौन सी हो गई, V2. ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की थी, ये अननोन सैंपल की थी, इसको करेक्ट कर देना, ये अननोन सॉल्यूशन नहीं है. ये कौन सा है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, और ये किस चीज के लिए, अननोन सॉल्यूशन. अब तीसरा काम ये फिर से रिपीट करना है, किसके साथ, बॉयल वाटर के साथ. अननोन के लिए कौन सा वाटर, बॉयल, सेम रीडिंग आपको. तो टोटल एटलीस्ट आपको मिनिमम कितनी रीडिंग निकालनी है, 9, और ज्यादा जाएंगे तो 4 3 12. तो इस तरीके से आपके पास तीन कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आएंगी, V1 फॉर द स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, V2 फॉर द सैंपल वाटर, और V3 फॉर द बॉयल वाटर. जो टैप वाटर का सैंपल हम लिया था उसको हम बॉयल भी कर चुके हैं. तो इस तरीके से आपके पास तीन रीडिंग आ जाएंगी और फिर उनसे हम कैलकुलेशन करेंगे. थैंक यू.